अच्छा, आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो हम एक रिव्यू लेंगे सारी फैमिलीज का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर था। अच्छा, उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन, अच्छा ये सारी बातें लिखी हुई भी मिल जाएंगी और क्लास में लिखी हुई भी होंगी आप लोगों ने। तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर सिर्फ हाइड्रोकार्बन को डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे भी होंगे जिसमें ऑक्सीजन होगा, जैसे कि अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर्स हैं। जी, एयरली में आया, एयरली का टाइमिंग मैं अलग बताऊंगा आपको। अच्छा, इस सैटरडे आपका ना मॉक भी है, तो टाइमिंग्स आपकी क्या कहते हैं, उसमें नॉर्थ कैंपस पे जो टाइमिंग है वो है 3 to 4 PM सैटरडे का बता रहा हूँ। और जौहर कैंपस पे आपकी मॉक की टाइमिंग है 4:30, 4 तो 4:45 से करेंगे, 4:45 till 5:45 PM। ठीक है, गुलशन में आपका जो होगा वो नेक्स्ट वीक होगा, और उसकी टाइमिंग जो होगी वो मंडे, थ्री थर्टी टिल 4:30। सही है, तो ये टाइमिंग्स लिख लो और मॉक दे देना आके प्लीज। टेस्ट टॉपिक नहीं, मॉक है हमजा, सारे टॉपिक्स, ऑल टॉपिक्स। ऑनलाइन मॉक कैसे होगा यार? अच्छा, बाकी इसी वीकेंड से हम लोग ना एयरली पास पेपर भी स्टार्ट कर देंगे, उनके टाइमिंग्स में फिर आपको अपडेट करता हूँ आजकल। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन हमारे पास है वो है एल्केन्स। देखो, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला याद रखना, जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स होता है जैसे CnH2n+2, इसमें n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब अगर मुझे फर्स्ट एल्केन बनाना है तो उसके लिए मैं कार्बन वन रखूंगा इसी जनरल फॉर्मूला में, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता जाएगा। अगर मैं n की जगह पे वन रखूंगा तो इट विल बिकम CH4, 2 रखूंगा तो C2H6। इनके नाम क्या है? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन। इस तरह से आप बना सकते हो। वैसे आगे वाला होता है हेक्सेन, वो जाएगा C6H14, इसको हम हेक्सेन कहते हैं। फिर हेप्टेन C7, 7 to the 14, 15, 16, एंड देन ऑक्टेन C8H18। अच्छा, इनके डिस्प्लेड फॉर्मूला क्या होते हैं जिसमें आप सारे के सारे बॉन्ड शो करते हो? जैसे मिथेन है तो इसकी अगर मैं बॉन्डिंग शो करूं तो सारे बॉन्ड शो करोगे तो ये मिथेन हो जाएगा। इथेन, इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। हमें पता है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। प्रोपेन, डिस्प्लेड फॉर्मूला में यू शो ऑल द बॉन्ड्स, बस ये याद रखना। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला में आपको सारे बॉन्ड दिखाने नहीं होते, लेकिन आपको सारे एटम्स अलग अलग जरूर दिखाने होते हैं। जैसे मिथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वही इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी होगा, लेकिन इथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं ऐसे लिखूंगा CH3CH3। प्रोपेन का मैं ऐसे लिखूंगा CH3, फिर दूसरा कार्बन CH2, फिर CH3। इसी तरह ब्यूटेन का मैं इस तरह से लिखूंगा CH3CH2CH2 देन CH3। वैसे ही देखो, एक मॉक अभी होगा और एक मॉक फिर जो है वो नेक्स्ट वीक होगा, तो अभी आपकी जितनी तैयारी है उतना तो अटेंड करो, उसके बाद एक और मॉक अटेंड कर लेना जब सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, ताकि पता चले कि जितना हुआ हुआ है, कहाँ टाइमिंग वगैरह क्या चल रही है तुम लोगों की।
अच्छा जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में बस इतना याद रखना कि डाउन द सीरीज, ये जो पूरी सीरीज होती है ना, पूरी एल्केन की जो सीरीज है, इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज में खास बात क्या होती है कि सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं होमोलोगस सीरीज के, जैसे कि मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे मेंबर्स हैं एल्केन होमोलोगस सीरीज के। तो इन सारे मेंबर्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। इनके जो डाउन द सीरीज मॉलिकुलर मास इंक्रीज होगा, अब जब मॉलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल लार्ज होंगे और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। एल्केन्स जो होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। अगर इसको डिजोल्व करना है तो किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मतलब एल्केन के अंदर ही ये सॉल्युबल होंगे। ठीक है, डाउन द सीरीज क्योंकि ये हैवी होते जाते हैं तो ये मोर विस्कस होते जाते हैं, मतलब फ्लो नहीं करते। जैसे पहला मिथेन गैस है, इथेन गैस होता है, प्रोपेन गैस होता है। जैसे पेंटेन पे आओगे तो पेंटेन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सेकेंडली ये दे बिकम लेस फ्लेमेबल डाउन द सीरीज। ऑल एल्केन्स दे अंडरगो कम्बशन रिएक्शन, मतलब ये एज अ फ्यूल यूज होते हैं, उनको जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी रिलीज होती है। मिथेन जो है वो बहुत क्लीन जलता है, जैसे आपके क्या कहते हैं जो घरों में नेचुरल गैस आती है डेट इज मिथेन, तो वो इतना क्लीन जलती है कि उसमें से स्मोक उठता हुआ नहीं दिखता। लेकिन अगर आप पेट्रोल जलाओगे जो कि ऑक्टेन है, तो उसमें से आपको धुआं उड़ता हुआ दिखेगा। अच्छा, फिर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, व्हेन वी हैव द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दीज आर नोन एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्यूटेन का अगर हम आइसोमर देखें तो ब्यूटेन इज C4H10, चार कार्बन ऐसे होते हैं, बाकी 10 हाइड्रोजन इसके साथ इस तरह से लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबरिंग कर दूं कार्बन की, 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन को उठा के मैं अगर सेकंड कार्बन पे लगा दूं लाइक दिस, तो ये आइसोमर बन जाएगा ब्यूटेन का। अच्छा, अब देखो आइसोमर्स और भी तरीके से बनाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो बनेगा या नहीं बनेगा वो क्वेश्चन क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल जो फोर्थ कार्बन है आप नीचे कर दो थर्ड कार्बन, तो देखो हमेशा याद रखना कि कार्बन दूसरे कार्बन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे नहीं आ सकता, लेकिन कार्बन दूसरे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे जरूर आ सकता है। जी शायान बोलो। सर, आपने एक बात बताई थी कि ये घूमते भी तो है, ये जो अपना जो फोर्थ कार्बन को अपन थर्ड पे लेकर आए तो फिर ये घूमते नहीं है, वापस फोर्थ नहीं हो सकते। वही बता रहा हूँ। देखो जो कार्बन है तुम्हारा, अगर आपने इसको यहाँ पे लगाया 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन को सेकंड कार्बन पे लगाया, तो वो घूम के ऊपर जा सकता है। ऊपर जाने का क्या मतलब है कि वो यूं हो जाएगा, लेकिन वो थर्ड कार्बन और सेकंड फर्स्ट कार्बन की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ कार्बन कार्बन को नहीं हटा सकता, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन को हटा सकता है। हाइड्रोजन बता रहा कमजोर होता है, गरीब होता है, तो कार्बन उसको धक्का मार के हटा सकता है, लेकिन कार्बन दूसरे उसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है उसको नहीं हटा सकता। मतलब देखो देखेंगे कैसे कि जिस कार्बन को मैं देख रहा हूँ कि वो क्या किसी को हटा सकता है या नहीं, तो वो जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है उस कार्बन के साथ ऑलरेडी और क्या क्या लगा हुआ है, उस कार्बन के साथ दो कार्बन लगे और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो जो थर्ड वाला और फर्स्ट वाला कार्बन है या फोर्थ वाला कार्बन, उनकी जगह पे नहीं जा सकता, लेकिन जो ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, हाँ, उसको हटा के नीचे जरूर फेंक सकता है, उसको नीचे कर देगा और खुद उसकी जगह पे चला जाएगा। तो ये होता रहता है। तो इसका मतलब ये कि जो दूसरा वाला मैं यूं करके बना रहा हूँ ना, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की जगह पे आ गया, वो आइसोमर नहीं होगा। आइसोमर कब होगा? जब डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो घूम के खुद ही ऊपर नीचे हुआ है, ओरिएंटेशन चेंज हुई है। तो ओरिएंटेशन चेंज होना आइसोमर नहीं कहलाते, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला बनाया लास्ट वाला, इसमें मैंने क्या करा, 1 2 3 4, जो दो थर्ड फोर्थ कार्बन था वो घूम के नीचे आ गया, मतलब ये वाला जो कार्बन है घूम के नीचे आया है, उसने अपनी जगह थोड़ी चेंज करी है, मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी है वो फोर्थ पोजीशन पे, बस वो घूम के नीचे आया। हाइड्रोजन को, ये वाला जो हाइड्रोजन था ना, इसको हटाया, इसकी जगह पे आ गया और वाला हाइड्रोजन उस साइड पे चला गया। दिस इज नॉट द चेंज इन स्ट्रक्चर, दिस इज जस्ट द व्हाट यू कैन से इज रोटेशन। तो रोटेशन होने की वजह से आइसोमर नहीं बनते, स्ट्रक्चर डिफरेंट करो तो आइसोमर।
अब जैसे इथेन है, इथेन में मैं कोई आइसोमर नहीं बना सकता, प्रोपेन में मैं कोई आइसोमर नहीं बना सकता जिसमें सिर्फ 3 कार्बन होते हैं, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। हाँ पेंटेन में जरूर बना सकते हो। ब्यूटेन में, कहने का मतलब क्या है कि ब्यूटेन में सिर्फ 2 ही तरह के आइसोमर बन सकते, एक तो ये जो इसकी जो कंप्लीट चेन है, स्ट्रेट चेन जिसको हम कहते हैं, ये एक तो ये बना हुआ आइसोमर, और दूसरा ये बनाया है मैंने जिसमें 4th कार्बन को 2nd कार्बन पे लगा दिया, इसके अलावा बाकी के जो मैंने बनाए वो आइसोमर नहीं कहलाएंगे इसके। सर सर जी जी सर, ये तो अभी आप ये करवा रहे हैं ना एल्कीन की, मतलब एल्कीन डिस्कस करना सिखा रहे हैं कि एल्कीन में कैसे बनेंगे। सर फर्स्ट पेपर में जो है ना वो अजीब से एलिमेंट्स आए हुए थे ऑर्गेनिक, और उसमें जो है ना बहुत सारे हाइड्रोजन लग के ना कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था। अभी आप खोल खोल के दिखा रहे हैं ना, उसमें खोला हुआ नहीं होता, बंद किए होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म में लिखे होते हैं, तो उनको कैसे जज करे भाई कि ऐसे इसमें से आएगा, तुम खोल लो, उसमें भी तुम्हें कार्बन को। खोलना आता है, तुम्हें डिस्क्रीट फॉर्मूला आता है ना, तुम खोल के देख लो। जैसे फॉर मतलब एग्जांपल ये उसमें है, कार्बन इसकी बात कर रहे हो, जो क्वेश्चन है इस तरह की बात कर रहे हो, जी, इस तरह के अलावा ना वो दूसरे कंपाउंड भी लगे होते हैं हाइड्रोजन के साथ, जैसे क्लोरीन लग गया, हाँ इस तरह के मतलब लगे होते हैं साथ में, कार्बन तो होता ही होता है, तो अभी करते हैं, कार्बन को अभी करते देखा हैं क्वेश्चन। देखना। सर मेरा सवाल ये था कि कार्बन को ही देख के वो आइसोमर का डिटेक्ट करते हैं या कोई दूसरा एलिमेंट भी नहीं देख के? नहीं उसको भी दूसरे भी देखोगे, एक कहाँ चला गया, सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जो है सिर्फ एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें लगते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स अल्कोहल्स, एल्कीन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों में होते हैं। अच्छा अच्छा देखो, जो आप बात कर रहे हो ना वो क्वेश्चन है इसी में, लेकिन ना देख नहीं रहा, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था वो। खैर देखो, अगर मेरे पास कोई कंपाउंड ऐसा है, हम लोगों ने एल्केन में आगे रिएक्शन पढ़ा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब लेट्स से मेरे पास ये है CH3 है, यहाँ पे CH2 है, और ये जो फर्स्ट कार्बन है ना इसके साथ है CH2Cl। इसका क्या मतलब है कि इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं पहले कार्बन के साथ, और एक सीएल लगा हुआ था। अब आप कार्बन की पोजीशन चेंज करके इसमें आइसोमेरिज्म कर नहीं सकते, क्योंकि आपको 3 ही कार्बन है, तो अगर आप 1 को बोलो 3 पे लगा दें तो वो तो वही बात हो जाएगी, अगर आपने 1 को उठाया और 3 पे लगा दिया तो वो स्ट्रेट चेन ही दिखेगी तुम्हें। हाँ ये जो आप क्लोरीन एटम है ना, अगर इसकी पोजीशन आप चेंज करोगे तो ये भी एक अलग आइसोमर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लोरीन 1 पे लगा हुआ है और आपने उठा के 2 पे लगा दिया, दिस इज अ डिफरेंट आइसोमर, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन ने अपनी पोजीशन चेंज की है। आप देखो कि उसने अगर अपनी पोजीशन चेंज की है, किसी एक एटम ने हटके दूसरे कार्बन पे जाके लगा है वो, तो वो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। लेकिन वो रोटेट हुआ है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल रोटेशन क्या, कि मैं कहूँ कि क्लोरीन जो है फर्स्ट कार्बन पे ही था, वो ऊपर आने के बजाय नीचे आ गया, तो वो आइसोमर नहीं कहलाएगा। मतलब ये वाला जो मैं बना रहा हूँ ना, इसको मैं 1 कह रहा हूँ, जो मैं सेकंड बना रहा हूँ, सेकंड वाला आइसोमर नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसने अपनी कोई वो थोड़ी चेंज की है, क्या कहते हैं, पोजीशन थोड़ी चेंज की है, वो तो बस नीचे आ गया है रोटेट होके, तो सर, अगर हम इसमें हाइड्रोजन ये भी देखें आइसोमर तो नहीं होगा। हाइड्रोजन भी तो यही करता है। नहीं हाइड्रोजन कुछ देखते ही नहीं है ना, हाइड्रोजन तो अगर आप कहो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, आपका ये लाल वाला हाइड्रोजन है, ये निकल के जो है ना सेकंड कार्बन पे आया, और सेकंड वाला कार्बन पहले वाले हाइड्रोजन पे आ गया, तो ये आइसोमर नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ही चीज है ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा मतलब अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जो जो ज्यादा क्वांटिटी में ना हो कंपाउंड में, वो अगर कहीं डिस्प्लेस करता है तो उससे नहीं, आइसोमर बनते हैं। जिसको देखने से तुम्हें पता लगे कि हाँ फर्क पड़ा है, वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। हाइड्रोजन एक हटा के मैं कोई दूसरा हाइड्रोजन लगा दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा कम की बात नहीं है।
तो सर क्लोरीन का भी तो यही है, क्लोरीन से आप क्यों देख रहे हैं फिर? क्लोरीन ने जगह चेंज की है ना, क्लोरीन ने कार्बन वन से उठ के वो कार्बन टू पे लगा है। अब तुम्हें हाइड्रोजन टू थ्री तो हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे अपने आसानी के लिए, ये तो असल में तो ऐसा नहीं होता ना। देखो एक कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन कार्बन वन पे लगा हुआ है, और वैसे ही एक और कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर, देखो पहली शर्त क्या है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका पहले वाले का भी तुम्हारा क्या है, इसमें तीन कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं C7 और Cl, तो दूसरे वाले में भी यही है C3H7Cl, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन पहले वाले में क्लोरीन जो है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है और सेकंड वाले में क्लोरीन जो है वो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ है कि क्योंकि क्लोरीन ने इस स्ट्रक्चर में क्लोरीन डिफरेंट पोजीशन पे है, पहले स्ट्रक्चर में क्लोरीन डिफरेंट पोजीशन पे है। तो सर हर कंपाउंड के लिए खोल खोल के करेंगे, मतलब जितना आपने खोल के किया है हम भी पेपर में। अगर तुम्हें अगर तुम्हें समझ आ जाए वैसे ही, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, तो तुम यूं लिखोगे CH3CHCl CH3, अब अगर तुम्हें यहाँ पे बात समझ आ जाती है कि इसमें क्लोरीन सेकंड कार्बन के साथ है और पहले वाले में जो लिखा है क्लोरीन फर्स्ट कार्बन के साथ है, तो आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ओपन करके देख लेना। अच्छा सही है, अच्छा अब इस तरह के ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जिसमें वो पूछ रहा है भी डायग्राम शो द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, तो ब्यूटेन जो है हमें पता है C4H10 होता है, अगर मैं स्ट्रेट चेन ब्यूटेन बनाऊं जो बिल्कुल नॉर्मल बनता है उसमें चार कार्बन और बाकी हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं इसके साथ, अब ये वाला जो ए वाला है इसमें क्या हुआ है, फोर्थ कार्बन जो है वो रोटेट होके थर्ड कार्बन के साथ ही रोटेट हुआ है, मतलब वो है फोर्थ कार्बन अपनी जगह पर ही है बस वो रोटेट हो रहा है आगे पीछे, तो दिस इज नॉट एन आइसोमर। इसी तरह सी में देखो तो सी में जो फर्स्ट कार्बन है वो रोटेट होके नीचे आ गया है, तो लगा हुआ तो पहले भी सेकंड पे ही था, अगर मैं मेन ब्यूटेन देखूं 1 2 3 4 तो फर्स्ट कार्बन रोटेट होके सेकंड पे, रोटेट तो सी भी होगा फिर अपना, सी तो बोल रहा हूँ, तो सी जो है उसमें फर्स्ट कार्बन नीचे आ गया है सेकंड कार्बन के और फोर्थ कार्बन थर्ड आ गया है, तो इसमें तो सिर्फ रोटेशन हुई है, कार्बन ने पोजिशन तो चेंज नहीं की है ना अपनी, मतलब एक कार्बन से हटके वो दूसरे कार्बन पे तो नहीं गया, पहला कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ही अटैच था और अभी भी दूसरे कार्बन के साथ ही अटैच है, ऊपर नीचे हो रहा है, इसी तरह फोर्थ कार्बन थर्ड कार्बन के साथ अटैच था तो अभी भी थर्ड कार्बन के साथ ही अटैच है, सिर्फ आगे पीछे हुआ है, तो ये भी सी भी आइसोमर नहीं होगा, ए भी आइसोमर नहीं होगा। इसी तरह बी में भी ऐसा ही है, देखो फर्स्ट कार्बन ऊपर चला गया, फोर्थ कार्बन ऊपर चला गया, लेकिन पोजिशन तो चेंज हुई ना, पोजिशन चेंज होने का क्या मतलब है कि वो किसी एक कार्बन से हटके दूसरे कार्बन पे जा रहा हो, तो बी में भी नहीं हुआ। हाँ अब तुम डी में देखो ना अगर, तो अब आप नंबरिंग आपने लेट से यूं दे दी 1 2, अब यहाँ पे 3 दे दिया यहाँ पे 4 दे दिया, या 3 नीचे वाले को दे दो 4 ऊपर वाले को दे दो, लेकिन यहाँ पे कार्बन किसी एक कार्बन ने अपनी पोजिशन चेंज करी है। देखो ये तीन ये चेन बन रही है ना, स्ट्रेट चेन ये बन रही है, आप स्ट्रेट चेन देख लिया करो, लॉन्गेस्ट चेन जो होती है ना जो लाइन से लगे हुए कार्बन वो स्ट्रेट चेन है, तो यहाँ पे जो कार्बन आया है ना इसने बीच वाले कार्बन पे आया, इसने अपनी पोजीशन चेंज की है, वो या तो थर्ड कार्बन पे लगा था पहले सेकंड पे आ गया, या फर्स्ट पे लगा था सेकंड पे आ गया, तो ये आइसोमर होगा। अच्छा आगे आ जाओ, अच्छा कौन सा वाला कह रहे हो ये? देखो मैं ये कह रहा हूँ, इसको देखो ऑनलाइन समझना मुश्किल है थोड़ा, तो जिसको नहीं समझ आ रहा वो प्लीज मेरे पास फिजिकल जब आओ तो पूछ लेना ये बात। देखो चार कार्बन अगर मेरे पास स्ट्रेट लगे हुए ना इस तरह से, अगर मैं इसको यूं बना दूं तो ये आइसोमर नहीं हुआ, क्योंकि चौथा कार्बन अभी भी तीसरे कार्बन पर ही तो है, सिर्फ रोटेट हो रहा है, दिस इज नॉट एन आइसोमर। अगर तुम बोलो कि ये यूं है तो पहला कार्बन अभी भी दूसरे कार्बन पे लगा था, पहले भी दूसरे कार्बन पे लगा था, तो रोटेशन नहीं, उसको सीधा कर दो दोबारा से। हाँ अगर कुछ ऐसा हो कि तीन कार्बन ये है और पहला कार्बन उठ के तीसरे कार्बन पे आके लग जाए, मतलब ये पहला कार्बन था ये उठ के आके तीसरे कार्बन पे लग गया, तो अब इसने अपनी पोजिशन चेंज करी है, तो ये
फिर आइसोमर कहलाएगा। अब तुम चाहे एंड टर्मिनल पे जितने भी रोटेट करते रहो ना, ये यू है, ये भी नहीं होगा आइसोमर। तुम बोलो कि ये यू है, ये भी आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि ये कभी भी रोटेट होकर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इसी तरह ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, ये वाला वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। और दूसरी बात देखो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट कार्बन है वो सेकंड कार्बन पे, ये जो दूसरा वाला मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, इसको मैं टू लिख रहा हूँ, तो इसमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, कार्बन सिर्फ नीचे आया है। लेकिन जब मैंने ये जो चौथा स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, इसमें देखूँ तो कार्बन कार्बन जो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था वो पहले ब्रेक हुआ होगा, और फिर कार्बन जो है वो थर्ड कार्बन के नीचे आके नया बॉन्ड बनाया होगा। ये वाला आइसोमर है और ये एक आइसोमर है, मतलब काउंट मैं इन दोनों को करूंगा, फिर बाकी सारा कोई बाकी जो है ना वो सारे के सारे पहले वाले है। टू जो है ये भी पहला जैसा है, नीचे बनाया है ये भी पहले जैसा है, ये भी पहले जैसा है, ये एक ही स्ट्रक्चर है सारे, सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हुई हुई है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। कार्बन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है बिल्कुल जैसे हाइड्रोजन को करता है। जी उस्मान बोलो। सर मुझे ये पूछना था कि अगर आपने जो पहले नंबर वाली, जो पहले नंबर पे आपने जो कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाई है 1 2 3 4 कार्बन, सर आपने बताया कि 4 वाला कार्बन 2 की तरफ आ जाए या 1 वाला कार्बन 3 की तरफ आ जाए 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में, तो आइसोमर बन जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो 4 वाला कार्बन 2 के नीचे ना लगे, लेकिन वो 2 की जगह लग जाए 4 कार्बन, और 2 वाला कार्बन 4 की जगह लेगा और रहे स्ट्रेट चेन, तो क्या वो आइसोमर कहलाएगा? नहीं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर तो सेम ही है ना। अब तुम कह रहे हो कि ये 1 2 3 था, 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया, लेकिन तुम एज अ कार्बन को एज अ कार्बन ही आइडेंटिफाई करोगे ना, क्या फर्क पड़ रहा है कि मैं एक कार्बन हटा के दूसरा कार्बन रख दूं? स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं हुआ, तुम उसको एज अ कार्बन ही रीड कर रहे होगे। तो सर फिर आप ऐसे नंबरिंग के साथ जो कर रहे हैं वो, तो आपने कहा ना कि पहले 3 जो था 2 और 4 के साथ लगा हुआ था, तो आप इस तरह करके उनके नेबरिंग के साथ आप उनको रेफरेंस बना रहे हैं, ये भी तो इस तरह नहीं हो सकता कि आप उसके नेबर्स ही चेंज कर दें? नहीं नहीं देखो, आप जो है अभी थोड़े से क्वेश्चन और समझो तो मैं आ जाएगा समझ। क्वेश्चन 2 में आपके कह रहे हैं एल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, स्ट्रक्चर 1 2 3 4 आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, व्हिच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स आर आइसोमर्स? देखो अगर मैं ये पहला वाला स्ट्रक्चर देखूं, तो पहला वाला स्ट्रक्चर इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन, ये देखो ये पूरी चेन है 1 2 3 4 5, ये इस चेन को मैं कभी भी यू भी लिख सकता हूँ, मतलब पहला वाला कार्बन घूम के सेकंड कार्बन के बराबर में आ सकता है, लेकिन वो थर्ड कार्बन के पास नहीं जा सकता, क्योंकि थर्ड सेकंड कार्बन के जो राइट साइड पे है वो कार्बन है, कार्बन पहला वाला कार्बन जाके थर्ड कार्बन को नहीं हटा सकता, क्योंकि कार्बन कार्बन को नहीं हटा सकता, लेकिन कार्बन इस हाइड्रोजन को जरूर हटा सकता है, तो वो कभी भी इसके पास आ जाएगा और ये इसका हाइड्रोजन जो है वो ऊपर या नीचे चला जाएगा। तो ये बन जाएगा। अच्छा ये वाला जो कार्बन है ये लगा हुआ है राइट से सेकंड कार्बन के नीचे, तो एक ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको अगर मैं स्टेट चेंज करके बना के देखूं। इसी तरह जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है इसमें देखो ये डिफरेंट है, देखने में तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें अगर गौर से देखो तो जो कार्बन ब्रांच में लगा हुआ है ना, पहले वाले स्ट्रक्चर में कार्बन ब्रांच में सेकंड कार्बन के नीचे लगा हुआ है, अगर मैं राइट से काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5, तो जो ब्रांच में कार्बन लगा हुआ है वो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं सेकंड वाले स्ट्रक्चर को देखूं तो उसमें जो ब्रांच में कार्बन लगा हुआ है वो थर्ड वाले कार्बन के नीचे लगा हुआ है, पोजीशन चेंज हुई भी है ना, तो इट मींस 1 and 2 आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, 1 and 2 एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अच्छा लेकिन उससे पहले आइसोमर्स होने के लिए कंपाउंड मस्ट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो अब अगर तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो इसके पास 1 2 3 4 5, इसके पास भी 5 कार्बन है और टोटल हाइड्रोजन गिनो तो 12 हाइड्रोजन है। अच्छा इसके जो 2 है उसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं तो उसके पास कितने कार्बन है, नहीं बल्कि 1 के पास 6 कार्बन है, सॉरी 6, ये हो जाएगा C6H14,
इसी तरह टू के पास भी टोटल 6 कार्बन है और हाइड्रोजन गिनो तो 14 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, तो दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन में 1 और 2 दिए हुए एक ऑप्शन में, लेकिन बाकी 3 और 4 को भी देखना पड़ेगा। अब अगर मैं 3 को देखूं तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा उसमें कार्बन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन उसके अगर हाइड्रोजन गिनो ना तो वो आ रहे हैं 12। इसी तरह फोर्थ वाले के कार्बन गिनो तो वो है 7 और हाइड्रोजन आ रहे हैं 16। तो ये जो फोर्थ वाला है वो इनमें से किसी का आइसोमर बन ही नहीं सकता, क्योंकि पहली कंडीशन क्या है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। 3 स्ट्रक्चर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, चौथे का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी तीसरे के स्ट्रक्चर से मिल ही नहीं रहा, तो फोर वाला तो किसी का आइसोमर ही नहीं है। तो जिन जिन ऑप्शन में 4 है वो तो ऐसे ही काट देना, बचा गया 1, 2 और 3। अब अगर 3 को देखो, 1 और 2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 3 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, और 3 का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो किसी और के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैच ही नहीं कर रहा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी से मैच नहीं कर रहा तो आइसोमर्स तो हो ही नहीं सकता ना आपस में वो किसी का, जिसमें 3 है वो भी काट देना। 1 और 2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, तो 1 और 2 आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बाकी देखो जिसको ना ये समझ नहीं आ रहा है तो भाई फिजिकल क्लास में आ जाना, फिजिकल क्लासेस भी हो रही हैं, वहां पे समझ के चले जाना। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर तुम्हारे पास 5 कार्बन है स्ट्रेट चेन में। अब जो सी है, सी में क्या हुआ है, ये जो आपका 5वां कार्बन था, ये 5वां कार्बन 4थे कार्बन पे लगा था और वो 4th कार्बन पर ही लगा हुआ है अभी तक, बस नीचे हुआ है। दिस इज नॉट एन आइसोमर। सर क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ये सी वाला समझ में नहीं आया। देखो सी वाला वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा आइसोमर नहीं है, तो अब आपके पास जो किस चीज के आइसोमर की बात कर रहा है, ये जो ऊपर उसने कंपाउंड दिया हुआ है ना 5 कार्बन वाला। हाँ। तो सी में अगर तुम देखो 1, 2, 3, 4 फिफ्थ कार्बन 4th कार्बन पर ही लगा हुआ है, पोजीशन तो चेंज नहीं की है ना। बाकियों को देखो, बाकियों में 1, 2, 3, 4 फिफ्थ कार्बन ने पोजीशन चेंज की हुई है, 1, 2, 3, 4, 5 फोर और फाइव ने दोनों ने पोजीशन चेंज की हुई है। डी में भी 1, 2, 3, 4 फिफ्थ कार्बन ने पोजीशन चेंज की हुई है। सी में फिफ्थ कार्बन ने सिर्फ नीचे बेंड हुआ है, वो रोटेट हुआ है, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं की। पोजीशन चेंज क्या कहता है कि एक कार्बन से हटके वो दूसरे कार्बन पे आते, ऐसा तो नहीं हुआ ना सी में। तो उसमें भी देखेंगे आइसोमर्स, और बाकी जिसको नहीं समझ आ रहा तो अब जो क्वेश्चन में फंस रहे हो वो लेके आ जाना फिजिकली। कंबशन रिएक्शन क्या होता है, जब मेरे पास कोई एल्केन, एल्केन जो है अंडरगो कंबशन रिएक्शन, जैसे मेरे पास ऑक्टेन है CH18, मैंने ऑक्सीजन के साथ उसको कंबस्ट करा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना भी आना चाहिए तुम्हें, जैसे यहाँ पे 8 कार्बन है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम विल बिकम द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बिकम द मोल्स ऑफ हाफ ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो मैं 18 को डिवाइड बाई 2 करूंगा, डेट वुड बी 9, ये बन जाएगा यहाँ पे 9। फिर मैं क्या करूंगा, राइट साइड को ऑक्सीजन को काउंट करूंगा, 8 2 16, 9 1 9, 16+9 होता है 25, 25 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे 25 ऑक्सीजन बनाने के लिए 25 ओवर 2 कर दूंगा। दैट्स हाउ यू कैन बैलेंस द कंबशन इक्वेशन ऑफ एनी एल्केन। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि इसका क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अभी क्वेश्चन में भी देखते हैं, एल्कीन जो होता है दे आर फॉर्म्ड, अच्छा ये एक तो कंप्लीट कंबशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा, जब इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनती है, विच इज अ टॉक्सिक गैस बस, या पॉइजनस गैस, बस इतना याद रखना बहुत है पेपर वन के लिए। इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ एल्केन से जो गैस बनेगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, विच इज अ पॉइजनस गैस। फिर हमारे पास दूसरा जो एल्केन का रिएक्शन है, डेट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो क्या होता है, हमारे पास कोई एल्केन है, जैसे कि हम इस बार मिथेन लें, और उस्मान माइक खुला हुआ आपका, क्लोरीन को रिएक्ट कराएं अंडर द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट हमारे पास कहाँ से आ सकती है, सनलाइट से। तो क्या होगा,
अब मिथेन तुम्हें पता है कि कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो क्लोरीन का जो बॉन्ड है बिटवीन क्लोरीन गैस, वो ब्रेक होगा, उसमें से क्लोरीन निकल निकल के हाइड्रोजन की जगह लगता जाएगा और उसको हटाता जाए। तो इस इक्वेशन की सीक्वेंस कुछ ऐसी बनती है, CH4Cl2 है, तो एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा, एक क्लोरीन बढ़ता जाएगा और साथ में HCl भी बनेगा। इसी तरह CH3Cl, ये दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा, तो एक हाइड्रोजन और कम होगा और एक क्लोरीन बढ़ जाएगा। इसी तरह ये दोबारा फर्दर जो प्रोडक्ट बना है वो रिएक्ट होगा, एक हाइड्रोजन और कम होगा और एक क्लोरीन बढ़ जाएगा। सिमिलरली CHCl3 दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा, तो एक हाइड्रोजन और कम होगा और एक क्लोरीन और बढ़ जाएगा। इस रिएक्शन की ओवरऑल इक्वेशन पूछी जाए, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, क्लोरीन कंटिन्यूस रिएक्टेंट है इसका, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है, CCl4 और HCl। इसको बैलेंस अगर करें तो 4 मोल्स ऑफ HCl आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और आपके साथ 4 यहाँ पे आ जाएगा। यही रिएक्शन जरूरी नहीं है कि मिथेन के साथ ही हो, यही रिएक्शन इथेन के साथ भी हो सकता है, जैसे C2H6 इसके साथ क्लोरीन लगाओगे तो अब इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, ज्यादा हाइड्रोजन हट सकते हैं। पहले मैं एक एक करके हटाऊं तो एक हाइड्रोजन हटा और यहाँ पे लगा Cl और HCl बन गया। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो अब 5 हाइड्रोजन जैसे यूं लगे हुए हैं, 3, 4, 5, और एक क्लोरीन यहाँ लग गया, दूसरे कार्बन पे भी लग सकता है लेकिन वो स्ट्रक्चर एक ही है ना। फिर इसका भी फर्दर और करवा सकते हो, ये हो जाएगा C2, एक हाइड्रोजन और कम होगा 4 और एक क्लोरीन बढ़ जाएगा। अब इसका अगर स्ट्रक्चर देखो तो इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, एक क्लोरीन जो है वो एक कार्बन पे लगा है और दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन पे लगा है, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे लग गए हो। सही, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब ये दोनों फिर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनका तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4Cl2, इसका भी C2H4Cl2, लेकिन क्योंकि क्लोरीन की पोजीशंस डिफरेंट हैं दोनों में, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे, दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सही है, चले आगे, पूछना तो नहीं है किसी को कुछ। सर जी, सर क्लोरीन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है? देखो, डिस्प्लेस करना एक अलग चीज है कि आप एक चीज हटे और दूसरी जगह पे लग जाए, तो इस रिएक्शन में क्लोरीन ही तो हाइड्रोजन को आके हटा के उसकी जगह पे लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर तुम आइसोमेरिज्म में ये पूछ रहे हो कि मेरे पास अगर ये स्ट्रक्चर है और आप कह रहे हो कि क्लोरीन नीचे लगा हुआ है और क्लोरीन लेफ्ट पे चला जाए और लेफ्ट पे जो हाइड्रोजन है वो नीचे आ जाए, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। अगेन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना स्ट्रक्चर पे, ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर कहलाएंगे। पे क्लोरीन एक कार्बन पे, दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन पे, अब वो कार्बन के ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ या राइट पे लगाओ, डजंट मैटर, अगर वो उसी कार्बन पे लगा हुआ है तो मतलब वो सेम स्ट्रक्चर है, वो आइसोमर नहीं बनाया। सही है मोमिन, ये पूछ रहे थे। ओके जी सर। ओके सर, ये अगर ये नीचे जो क्लोरीन लगा हुआ है कार्बन के, सेकंड कार्बन के, वो अगर जो क्लोरीन बराबर में लगा उसको हटाएगा तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं, अभी तो बताया, वही तो बता रहा हूँ। नहीं सर, मैं साइड वाले की बात कर रहा हूँ, क्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो क्लोरीन और क्लोरीन ही है ना। अब तुम कहो कि इसको अगर मैं ऐसे बना दूं, एक क्लोरीन मैंने ऊपर कर दिया, एक क्लोरीन मैं नीचे कर दिया, तो क्या ये नया आइसोमर बन गया? नहीं, ये सेम स्ट्रक्चर है, क्योंकि दोनों के दोनों क्लोरीन उसी कार्बन पे है। अब उसी कार्बन पे वो दोनों आगे पीछे हो जाए, एक दूसरे की पोजीशन स्वैप कर लें, तो वो फर्क नहीं पड़ रहा, वो एक ही चीज है। सही है जी। अच्छा, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका नाम जरूर याद रखना। इसमें ये जो तो हमारे पास प्रोडक्ट बने ना, पहला वाला अगर मिथेन से मैंने एक क्लोरीन लगाया है, एक हाइड्रोजन हटा के, तो उसको हम कहते हैं क्लोरोमिथेन या मोनोक्लोरोमिथेन भी कहते हैं इसको, क्योंकि एक मोनो मतलब वन, वन क्लोरीन लगा है। अगर 2 क्लोरीन लगाए तो डाइक्लोरोमिथेन, 3 क्लोरीन लगाए तो ट्राइक्लोरोमिथेन, 4 क्लोरीन लगाए तो टेट्राक्लोरोमिथेन, ठीक है। क्रैकिंग क्या होती है कि मैं लार्जर एल्केन फ्रैक्शन को ब्रेक कर दूं इनटू स्मॉलर एल्केन फ्रैक्शन या एल्कीन,
क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि स्मॉलर एल्केन जो होते हैं ना, दे आर मोर यूजफुल. जैसे C15H32 की कोई इतनी खास एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन इसको अगर मैं ब्रेक करूँ 15 कार्बन के बजाय 8 कार्बन वाला एल्केन बना लूँ ऑक्टेन, तो ऑक्टेन पेट्रोल को कहते हैं और पेट्रोल हाई डिमांडिंग है. तो जो मेरे पास लार्जर फ्रैक्शन होता है उसको तोड़ के हम स्मॉलर फ्रैक्शन बना लेते हैं. क्रैकिंग दो तरह की होती है, थर्मल एंड कैटलिटिक. थर्मल क्रैकिंग में हम सिर्फ हीट करते हैं, कैटलिस्ट यूज नहीं करते, और हीट करते हैं तो ज्यादा टेम्परेचर पे करना पड़ेगा विदाउट कैटलिस्ट, 450 से 750. और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है. अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये C15H32 ये जो क्रैक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये भी ब्रेक नहीं होगा. अगर ऑक्सीजन होगी तो फिर ये बर्न हो जाएगा, कम्बशन हो जाएगी इसकी, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना लेगा, तो फिर तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा. इसलिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होना जरूरी है. कैटलिटिक क्रैकिंग में हम लोग क्या करते हैं, अगेन इसमें भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन कैटलिस्ट यूज करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका या एल्यूमिनिया भी इसको कहते हैं. क्योंकि कैटलिस्ट यूज करते हैं तो मुझे हीटिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ती इसमें एज कम्पेयर टू थर्मल क्रैकिंग. क्रैकिंग लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी का सेटअप ऐसा है, इसमें क्या होता है, हम लोग पैराफिन लेते हैं, पैराफिन जो आपकी मिनरल पैराफिन वैक्स जो होती है, वैसलीन वगैरह, तो रूई में पैराफिन वैक्स लगा के रख देते हैं, उसको हीट करते हैं, ये पोर्सलिन चिप्स से गुजरती है, पोर्सलिन चिप्स में हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना सिरेमिक के, उसमें से जब ये गुजरती है तो क्रैक होती है. क्रैक होने के बाद ये स्मॉलर एल्कीन फ्रैक्शन बनता है जो कि C2H4 होता है. ये एज अ फ्यूल यूज होता है, तो इसको जब निकाल के हम जलाते हैं तो ये जलती है, जलनीती है, तो ये हमें कंफर्म कर देती है कि हाँ कोई एल्कीन का फ्रैक्शन आया है, मतलब यहाँ पे क्रैकिंग हो गई है. क्योंकि पैराफिन को जलाओगे वो नहीं जलेगी, पैराफिन को यहाँ पे हीट करा उसके बाद जो प्रोडक्ट आया उसको जलाया वो जल गया. इसका क्या मतलब है, पैराफिन हैज बीन क्रैक्ड. सर यूज़ डबल के पढ़ लेना यहाँ से सारे ना. बोलो उस्मान क्या बोल रहे हो. सही है, जो आपने ऊपर वो डायग्राम बनाई हुई है उसमें जो आपने टेस्ट ट्यूब को जो है एक वाटर कैन जैसे उलट करके रखा हुआ है, तब मैंने बुक में पढ़ा था कि ये इसलिए रखते हैं कि जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, गैसेस जो है उनके लिए ये रखते हैं स्लाइटली सॉल्युबल, नहीं इनसॉल्युबल जो होते हैं, सॉल्युबल होंगे तो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, इनसॉल्युबल के लिए रखते हैं ऐसे. एल्केन्स एल्कीन्स जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, शुरू में बताया ना, दे आर वाटर इनसॉल्युबल, सॉल्युबल होंगे तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा. और सर वो उनकी डेंसिटी लाइटर देन एयर होती है, इसलिए उलट करके रखते हैं ताकि वो उड़ ना जाए एयर. वो उसका मास, एयर की तो इसमें बात ही नहीं है ना, पहले टेस्ट ट्यूब फुली फिल्ड विद वाटर है, एयर तो है ही नहीं, अपर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाली बात नहीं है इसमें. और डेंसिटी जरूरी नहीं है कि लेस देन ग्रेटर देन एयर हो, निकाल के देखनी पड़ेगी. एयर का MR होता है 28, मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, तो हमने 28 इसका MR पढ़ा है. तो अब अगर इथीन गैस बन रही है तो वो लाइटर है या डेंसर है वो आपने MR निकाल के देखोगे, ऐसे नहीं कह सकते कोई भी सारी एल्कीन जो है वो डेंसर है, नॉट पॉसिबल. अच्छा आगे बढ़ें. अच्छा इसमें देखो थोड़ा सा MCQ देख लेते हैं जल्दी जल्दी एल्केन्स के ना. विच स्टेटमेंट अबाउट आइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज करेक्ट. आइसोमर्स जो होते हैं दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये बात तो सही है ना. अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ब्यूटेन है C4H10, तो इम्पेरिकल फॉर्मूला भी ऑब्वियसली सेम ही होगा ना, सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो होता है C2H5, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा. कभी वो ये भी दे सकता है कि इम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा, ठीक है, ये भी याद रखना, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ठीक है. अच्छा जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम है, तो मास भी, तो मॉलिक्यूलर मास भी तो सेम ही होगा ना भाई, तो ये भी आ सकता है आंसर में, तीनों चीजें सेम होंगी. तो ऑप्शन ए में कह रहा है दे हैव डिफरेंट इम्पेरिकल फॉर्मूला, अभी बताया ना सेम होता है, ये गलत है. दे हैव डिफरेंट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस, नहीं मॉलिक्यूलर मासेस भी सेम होंगे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. दे हैव ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूल, जरूरी नहीं है कि एल्केन के ही आइसोमर बने या एल्कीन के भी बने, एल्कोहल के भी बनते हैं और उसमें ऑक्सीजन होता है, तो जरूरी नहीं है कि आइसोमर्स में हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन ही हो. एल्कोहल के जब आइसोमर बनाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन भी आएगा, इसलिए सी गलत है.
क्वेश्चन थ्री में हाउ कैन द फॉलोइंग रिएक्शन बी डिस्क्राइब्ड, तो इसमें लार्जर फ्रैक्शन स्मॉलर फ्रैक्शन में ब्रेक हुआ था, दिस इज क्रैकिंग। अच्छा क्वेश्चन फाइव देखो, इसमें कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन वन मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद लार्ज एक्सेस ऑफ क्लोरीन। देखो तुम कैसे पता लगाओगे, तुम्हारे पास सी एच फोर है, इसमें से चार हाइड्रोजन हटेंगे तो चार क्लोरीन लगेंगे, हर क्लोरीन के साथ जब वो ब्रेक हुआ है तो दो क्लोरीन थे, तो एक क्लोरीन चार हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे ना उस फॉर्मुला में उतने ही मोल्स ऑफ HCl भी बनेंगे, ये याद कर लो, सही है। लेकिन सर रिएक्टेंट में तो हम Cl2 लिखते हैं तो वो एक क्लोरीन HCl के साथ लगता है। जी बिल्कुल, अब अगर ये C2H6 ये वाले एल्केन के साथ हो रहा है तो छह हाइड्रोजन हटेंगे तो सिक्स मोल ऑफ HCl बनेगा, अगर C3H8 होगा तो आठ हाइड्रोजन हटेंगे तो एट मोल ऑफ HCl बनेगा। अभी यहाँ पे मीथेन की बात कर रहे हैं तो मीथेन में चार हाइड्रोजन होते हैं तो फोर मोल ऑफ HCl बनेगा। अच्छा द स्ट्रक्चर ऑफ थ्री हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द सेम होमोलोगस सीरीज आर शोन, ऑब्वियसली ये सिंगल बॉन्डेड है, सारे के सारे एल्केन्स हैं, पहला वाला CH4 है, दूसरा वाला C3H8 है और चौथा वाला उसमें चार कार्बन है तो ये ब्यूटेन है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल थ्री मॉलिक्यूल्स आर अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं ना वो सैचुरेटेड होते हैं और डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, तो ये देज आर नॉट अनसैचुरेटेड बट सैचुरेटेड, तो ये गलत हो जाएगा। सबका सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं है, क्यों, क्योंकि सबके मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी डिफरेंट होंगे। अच्छा एक्स इज एन आइसोमर ऑफ वाई, एक्स और वाई आइसोमर नहीं हो सकते क्योंकि आइसोमर होने की पहली शर्त क्या है कि सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए, दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है, एक्स में तीन कार्बन है वाई में चार कार्बन है तो ये भी गलत होगी। सी क्या है, डब्ल्यू हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा लोवेस्ट बॉइलिंग, देखो अभी मैंने बताया था कि होमोलोगस सीरीज अगर फॉलो करो तो डाउन द सीरीज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, डब्ल्यू सबसे ऊपर होगा ना होमोलोगस सीरीज में क्योंकि एक ही कार्बन है, एक्स जो है वो नीचे होगा क्योंकि उसमें तीन कार्बन है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट डब्ल्यू का होगा, तो दिस इज सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन अभी हमने किया। क्वेश्चन नाइन जो है अगेन दिस इज फॉर क्या कहते हैं, इसमें क्रैकिंग हुई है, एक्स कोई तक क्रैक हुआ, क्रैकिंग में स्मॉलर एल्केन फ्रैक्शन भी बनता है या एल्कीन भी बन सकता है और हाइड्रोजन गैस भी बन सकती है, तो हमने किस चीज को क्रैक किया होगा, हमने ऑब्वियसली एल्केन को ही क्रैक करते हैं, हमेशा क्रैकिंग एल्केन्स की ही होती है और किसी चीज की नहीं होती है। क्वेश्चन 11 पढ़ो, क्वेश्चन 11 आवाज नहीं आ रही है क्या, इसको नहीं आ रही है। देखो क्वेश्चन 11 कह रहा है मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्केन सीरीज, द सेकंड मेंबर इज इथेन, विच स्टेटमेंट अबाउट इथेन अ करेक्ट, तो इथेन जो है वो दो कार्बन वाला होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2, तो ये बनेगा C2 to the 4 5 6, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बनेगा, तो कह रहा है इथेन इज द फॉर्मूला C2H4, ये तो इथेन का फॉर्मूला दिया हुआ है उसने, इथेन का थोड़ी है, तो ऑप्शन वन ही गलत हो गया। जब ऑप्शन वन गलत हो गया तो मेरा ए ऑप्शन भी खत्म हो गया, बी भी खत्म हो गया क्योंकि दोनों में वन है, बचा गया सी एंड डी। फिर कह रहा है इथेन हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द मीथेन, ऑब्वियसली मीथेन ऊपर है इथेन नीचे है होमोलोगस सीरीज में, तो इथेन का हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो टू इज करेक्ट। इथेन हैज द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज मीथेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों सेम होगा, इसमें मीथेन में एक कार्बन है और इथेन में दो कार्बन है, तो थ्री भी गलत हो गया, थ्री गलत हो गया तो डी भी गलत हो गया, बचा क्या एक ही ऑप्शन बचा है, मतलब टू भी सही है और फोर भी सही होना चाहिए क्योंकि होमोलोगस सीरीज में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मीथेन रिएक्ट करेगा कंबशन के वक्त इथेन भी वैसे ही रिएक्ट करेगा, जैसे मीथेन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पड़ा तो इथेन का भी पड़ेंगे, तो होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डाउन द सीरीज ग्रेजुअली चेंज होती है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उनका बढ़ता है, फ्लेमेबिलिटी उनकी कम होती है, विस्कोसिटी उनकी बढ़ती है, और भी सही है तो सी हो गया आंसर।
अच्छा ये जो 12th वाला है हमने ये पढ़ा है एटमॉस्फेयर और फ्यूल वाले चैप्टर में, इसका पार्ट देखा है। जब भी हम वेजिटेटिव मैटर को डिके करते हैं तो हमारे पास जो गैस बनती है वो मिथेन बनती है, ये याद रखना। यस एम मोल्स के भी क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोल्स भी रिवाइज करना पड़ेगा इसके लिए तुम लोगों को। अब ये कह रहा है द कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैसियस एल्केन एक्स, मुझे नहीं पता एल्केन कौन सा है मेरा, अब वो चाहे मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, लेकिन जब उसकी कंबशन करवाओगे तो तुम्हें ये पता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अब अगर तुम पहला ऑप्शन दिया हुआ है ब्यूटेन, C4H10 होता है इसका फॉर्मूला, ये तुम्हें फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। और अगर इसकी बैलेंसिंग करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 आएगा, वाटर के साथ 5 आएगा, और ऑक्सीजन के साथ कितना आएगा, 4 2 8 हो गया यहाँ से, और 5 1 5, तो दिस इज 13, यहाँ पे आएगा 13/2। 13/2 को अगर डेसिमल में लिख दो तो मोल सॉल्व करने में तुम्हें आसानी हो जाएगी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 6.5। अब देखो क्या क्या रहा है क्वेश्चन में कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्केन आपने लिया है, रिक्वायर्स 130 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, बोथ वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट आरटीपी। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस हो, चाहे कोई भी गैस हो, अब ब्यूटेन हमने बोला है ब्यूटेन तक तो गैसेज ही होते हैं, लेकिन पेंटेन से लिक्विड स्टार्ट होते हैं, तो ये जितने भी हमें दिए हुए सारे पेंटेन से ऊपर दिए हुए, मतलब ये सारी की सारी गैसेज हैं। और 1 मोल ऑफ एनी गैस, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ मीथेन हो या 1 मोल ऑफ अमोनिया हो या 1 मोल ऑफ इथेन हो या 1 मोल ऑफ ब्यूटेन हो, सबका वॉल्यूम तो सेम होता है ना, 24 डेसीमीटर क्यूब एट आरटीपी, ठीक है, मासेस डिफरेंट होंगे लेकिन वॉल्यूम तो सेम होगा। अब अगर मैं ब्यूटेन और ऑक्सीजन में मोलर रेशियो देखूं तो वो है 1:6.5 का, मतलब 1 मोल को 6.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए 1 मोल ऑफ ब्यूटेन को, तो अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्यूटेन है तो उसको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, आपने सिर्फ 6.5 से 20 को मल्टीप्लाई करना है जो कि आएगा 130, मतलब ये पहला ही ऑप्शन सही आ रहा है मेरा। समझ आया ये? अगर मैं दूसरे ऑप्शन को चेक करूं ना, बी को, बी है इथेन, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 ऑक्सीजन, ये भी बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मुझे बैलेंसिंग पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि जब तक मैं पूरी बैलेंसिंग नहीं करूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कितने मोल्स ऑफ इथेन कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए इथेन में 2 कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 मोल आ जाएगा, और 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे वाटर के साथ 3 आ जाएगा, तो टोटल ऑक्सीजन राइट साइड पे हो गया 2 2 4 एंड 3 1 3 व्हिच इज 7, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4.5। अब यहाँ पे 1:4.5 का रेशियो है, जब 20 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना चाहिए होगा तो मैं 20 × 4.5 करके देखूंगा जो कि 130 नहीं आता बल्कि 90 आता है, इट मीन्स कि इथेन नहीं हो सकता, तो ये थोड़ा सा तुम्हें वर्किंग करनी पड़ेगी इसके, मेरे पास ऑप्शन ही मेरा पहला वाला सही आ रहा है। सर वॉल्यूम जो है वो उसको डायरेक्टली कर सकते हैं ना, वो अलाउड है ना, वॉल्यूम्स को कर सकते हैं, वॉल्यूम को डायरेक्टली मोल्स, वॉल्यूम को कर सकते हैं, हां मासेस को नहीं कर सकते, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी कर सकते हैं, अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को कंपेयर कर रहे हो या एटम एटम को कंपेयर कर रहे हो, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, वॉल्यूम को कर सकते हैं, मासेस को नहीं कर सकते, यही तो बात है। अगर मैं पहले मोल की तरह रेफर करना पड़ेगा जी, अगर मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ मीथेन है, इसका मास 16 ग्राम है लेकिन इसका वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। अब अगर मैं कहूं तुमसे मेरे पास 1 मोल ऑफ इथेन है तो 1 मोल ऑफ इथेन का जो मास है वो आएगा 30 ग्राम लेकिन वॉल्यूम इसका भी 24 डेसीमीटर क्यूब ही होगा क्योंकि दोनों गैसेज हैं आरटीपी। अच्छा जी, इसमें कह रहा है कंपाउंड एक्स एंड वाई आर बोथ एल्केन्स, कंपाउंड एक्स हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन कंपाउंड वाई, व्हाट कुड बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक्स एंड वाई। अगर वो कह रहा है कंपाउंड एक्स का बॉइलिंग पॉइंट हायर है, तो बॉइलिंग पॉइंट हायर होने का मतलब क्या है कि उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला
में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ऐसा ही है ना। अच्छा दूसरी बात ये कि कंपाउंड एक्स इज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन कंपाउंड वाई, व्हाट वुड बी द फार्मूला ऑफ कंपाउंड एक्स, साथ में कह रहे हैं एल्केन्स भी हैं, तो पहले तो वो हटा दो जो एल्कीन्स हैं, जैसे ये जो है ना ये जनरल फॉर्मूला बन रहा है सी एन एच टू एन ए टू द 16 प्लस टू तो हो ही नहीं रहा, मतलब ये एल्कीन है, ये तो हटा दो। ठीक है बी में दोनों एल्केन्स हैं लेकिन कंपाउंड एक्स का हायर बॉइलिंग पॉइंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें कार्बन कम है, वाई में ज्यादा है, मतलब वाई का ज्यादा हायर बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, लेकिन वो तो कह रहे हैं एक्स का ज्यादा है तो बी भी नहीं हो सकता। इसी तरह सी में ये एल्कीन है तो ये सी को भी मैं नहीं देखूंगा। डी सही है, डी दोनों में एल्केन है और मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हैवियर किसका है, एक्स का है, तो मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। सही, बाकी अगर किसी को फास्ट लग रहा है तो हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग अभी भेज देते हैं आपको, आप लोग स्लो करके देख लेना, दोबारा देख लेना। मतलब 24 टू स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखो हम लोगों ने बिल्कुल एंड में पढ़ा था फ्यूल्स में, कि जो लाइटर फ्रैक्शन होते हैं वो ऊपर मिलते हैं, हैवियर फ्रैक्शन नीचे मिलते हैं। ठीक है अच्छा इसमें पूछ रहा है स्टेटमेंट वन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट क्रूड ऑयल इंटू यूजफुल फ्रैक्शन। ठीक है तो ये बात तो सही है, यही तो कर रहे थे, क्रूड ऑयल में बहुत सारे फ्रैक्शन थे, हम उनको सेपरेट आउट कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। जिस फ्रैक्शन का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो नीचे मिल गया था, जिसका सबसे कम होता जा रहा है वो ऊपर ऊपर मिलता जाएगा, यही तो करते हैं, तो स्टेटमेंट वन तो सही है। स्टेटमेंट अच्छा पूछ क्या रहा है, विच व्हाट इज द करेक्ट अबाउट दीज टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट टू कह रहा है द फ्रैक्शंस विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स आर फाउंड एट द टॉप ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये बात भी सही है। ठीक है अच्छा अब ये दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों हम जो सेपरेशन करते हैं वो सेपरेशन किस बेसिस पे करते हैं, ऑन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, जो लाइटर फ्रैक्शन है वो ऊपर मिलेगा जो हैवियर फ्रैक्शन है वो नीचे मिलेगा। अब ऑप्शन ए में वो कह रहे हैं बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट वन, तो स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को कैसे एक्सप्लेन करेगा, अगर फ्रैक्शन का लोअर बॉइलिंग पॉइंट है और वो टॉप पे मिल रहे हैं कॉलम के, तो वो स्टेटमेंट वन को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है इस बात से, नॉट एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट वन, दो अलग अलग बातें बता रहा है तुम्हें। अच्छा बी कह रहे हैं बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट टू डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन, ऑब्वियसली स्टेटमेंट वन की एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है वो तुम्हें, ये सही है। सी कह रहा है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट है, तो सी तो ऐसी गलत हो गया, तो कह रहा है स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट है, वो भी करेक्ट है, स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है, तो सी और डी तो दोनों करेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट जहाँ लिखा हुआ है वो तो गलत कर दो। ठीक है अच्छा ये याद रखना 29 जो है ये क्वेश्चन बड़ा रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है, तो इसमें देखो डेकेन डिकेन वो होता है जिसमें 10 कार्बन होते हैं, अब जो नाम है ना वो मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन प्रोप ब्यूटेन ब्यूट, फिर पेंट आता है 5 कार्बन के लिए पेंटेन, फिर हेक्स आता है 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, फिर हेप्ट आता है 7 कार्बन के लिए, फिर ऑक्ट आता है 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन, फिर नॉन आता है 9 कार्बन के लिए, फिर डेक आता है, मतलब डेक जो है वो 10 कार्बन वाले एल्केन को कहते हैं डेकेन, मतलब इसमें कार्बन 10 है, फिर क्रैक करके इथीन बनाया, इथीन में 2 कार्बन है, तो ऑब्वियसली इथीन का मॉलिकुलर साइज या मॉलिकुलर मास छोटा होगा ना डेकेन से, तो स्टार्ट में अगर डेकेन है तो ये अगर डेक है डेकेन है तो इथीन का मॉलिकुलर साइज बड़ा नहीं हो सकता, छोटा होगा, तो ए और बी ऑप्शन हटा दो, सी में यहाँ छोटा दिखा है। अच्छा इथीन के बाद पॉलीथीन बना है, पॉलीथीन में क्या होता है इतना तो याद है ना कि पॉलीमर बनाए थे, बहुत सारे इथीन मोनोमर्स कंबाइन किए थे, तो उनका मॉलिकुलर मास ऑब्वियसली फिर बड़ा हो जाएगा जब बहुत सारे मोनोमर कंबाइन करोगे, तो एक इथीन तो नहीं है उसमें, अगर तुमने 10 इथीन भी अगर कंबाइन कर दिए तो वो तो 20 कार्बन हो जाएंगे, तो उसका मॉलिकुलर साइज ऑब्वियसली फिर इंक्रीज होगा इथीन से पॉलीथीन पे जब जाओगे, तो पहले डेकेन से इथीन पे गए तो डिक्रीज और इथीन से पॉलीथीन पे गए तो अगेन इंक्रीज।
अच्छा इसमें कह रहा है मीथेन एज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन ऑफ होमोलोगस सीरीज एज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -161। मीथेन का तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है 161 डिग्री सेल्सियस। व्हिच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन बॉइलिंग पॉइंट कुड बी करेक्ट फॉर अनदर एल्केन। अब उसने C2H4 दिया हुआ है, C2H4 में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। अगर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा। ज्यादा होने का क्या मतलब है, दिस इज 0 -161 यहाँ पे आ जाता है। अच्छा अब वो कह रहा है कि अनदर एल्केन, तो सबसे पहले तो ये वर्ड देख लेना, क्या C2H4 एल्केन है? नहीं, वो तो एल्कीन है, इथीन है, तो ये ऑप्शन ए तो मैं देखूंगा ही नहीं। C3H6 प्रोपीन है, ये भी एल्केन नहीं है, तो इसको भी मैंने नहीं देखना, और डी जो है वो एल्केन है। अब दोनों में बी और डी ऑप्शन दोनों एल्केन तो है, दोनों में कार्बन मीथेन से ज्यादा है, मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो -161 से बड़ा होगा। -161 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि वो इस तरफ कहीं होगा, मतलब राइट साइड पे होगा नंबर लाइन के, मतलब -161 है तो वो -150 हो सकता है, मतलब जीरो की तरफ जा रहा होगा नंबर। -161 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब वो तो और छोटा लम कम हो जाएगा, हमें तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए, सही है? तो -185 जो होगा वो -161 के लेफ्ट साइड पे मिलेगा तुम्हें, और -42 जो होगा वो राइट साइड पे मिलेगा यहाँ कहीं पे। तो इट मीन्स द आंसर इज डी। समझ आई बात? ये देखो ये क्रैकिंग वाला अपैरेटस, ये वैसा ही है जैसा हम लोगों ने पढ़ा अभी। इसमें तुमसे कुछ नहीं पूछता, सिर्फ सिंपल सा एक सवाल पूछता है कि ये अपैरेटस किस लिए यूज हो रहा है और क्या हो रहा है। तो बहुत अच्छी तरह पता है तुम्हें क्रैकिंग के लिए यूज हो रहा है। अच्छा 35 में कह रहा है ब्यूटेन एंड मिथाइल प्रोपेन आर आइसोमर्स, कह रहा है ये दोनों आइसोमर्स है। आइसोमर्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा, और दोनों क्योंकि एल्केन है दोनों में एन आ रहा है ना, तो जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा। डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, सेम में मॉलिक्यूलर मास भी आ जाता है। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन चेंज कर करके देता रहता है। मॉलिक्यूलर मास भी सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम होता है आइसोमर्स का। तो डिफरेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है जी, तो ये हमारा एल्केन था अभी, कल परसों एल्कीन, आज एल्केन हमने थोड़ा स्लो पढ़ा है, ये ऑर्गेनिक स्टार्ट किया, कल एल्कीन और अल्कोहल खत्म करना है, और फिर तुम्हारा फ्राइडे को कार्बोक्सिलिक एसिड एज एन एस्टर्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स की अगर हो सके अभी नहीं तो कल वाली क्लास के बाद P1 के, उसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चंस करे हैं, मैं डायरेक्टली चाह रहा हूँ कि मैक्रोमोलिक्यूल के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा रिवाइज जरूर करेंगे। अगर देख सकते हो वीडियो तो देख लो, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।